कृषि बिल के विरोध में बेतिया में किसानों ने प्रदर्शन किया। बिहार राज्य किसान सभा की जिला इकाई की तरफ से हुए प्रदर्शन में काफी संख्या में किसान और कई पार्टियों के नेता शामिल रहे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सेवा बाबू चौक पर जाम लगाया, जिसके बाद प्रशासन ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाद में सभी को छोड़ दिया गया। आंदोलन कर रहे किसानों ने अपनी कई मांग सरकार के सामने रखी है, जिनमें कृषि बिल को वापस करने और MSP को कानूनी दर्जा देने के अलावा गेहूं और गन्ना का मूल्य तय करना प्रमुख है। उन्होंने नीतीश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे भी मोदी सरकार की तरह किसान विरोधी नीतियों पर चल रहे हैं। पर्चाधारियों को पर्चा दिया गया है जमीन पर कब्जा देने के लिए, और जो गरीब हैं, भूमिहीन हैं, उनको पर्चा देने के लिए ये राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम था। इसी कार्यक्रम के तहत किसान सभा के बैनर के तले हम लोग सुभाष बाबू चौक पर पहुंचे हैं, वहां सड़क जाम किए हैं। इसी बीच में जिला प्रशासन के लोग आए हैं, जिसमें बेतिया अंचल के अंचलाधिकारी थे और नगर थाना के इंस्पेक्टर साहब थे, और उन लोगों ने हम लोगों को गिरफ्तार करके कैंप जेल में रखा है। बाद में PR बाउंड पर हम लोगों को छोड़ दिया है। सहरसा जिले के स्वर बाजार प्रखंड अंतर्गत भादा गांव में अवैध रूप से ईंट भट्टा चलाने का मामला सामने आया है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि एक लाइसेंस पर दो दो ईंट भट्टे चलाए जा रहे हैं, जिससे सरकारी राजस्व का नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही इससे पर्यावरण को भी क्षति पहुंच रही है। वही जब इस मामले में खनन पदाधिकारी सुनील चौधरी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में आया है और इसमें जांच के आदेश भी दिए गए हैं। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ विभाग कार्रवाई करेगा। यही नहीं, विभागीय मिली भगत से एक लाइसेंस पर चल रहे दो ईंट भट्टों के संचालन पर उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। प्रोपराइटर के आलोक में सनाबिस चिमनी को, ईंट भट्टे को मालिक प्रोपराइटर शिवशंकर राय को चिमनी भट्टा बंद करने का आदेश दिया गया। शासक प्रतिलिपि में थाना अध्यक्ष को, अंचलाधिकारी को भी दिया गया कि इनका चिमनी बंद करवाया गया। बंद करवाते हुए निगरानी भी रखना है कि दोबारा चालू नहीं करें। इनके लिए उनका परमिट भी रद्द कर दिया गया है और विधिवत